चलो बेटा अब देखते हैं हम लोग आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बेटा ध्यान देना मैक्सिमा एंड मिनिमम क्या होता है, जरा मैक्सिमा किसको बोलते हैं मिनिमा क्या होता है। मान लो मैंने कोई कर्व लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई कर्व है ठीक है, ये कोई कर्व है और एक कर्व और ले रहा हूं मैं y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो बेटा यहां पर क्या है आपका ध्यान दीजिएगा सभी, ये इसका डोमेन जो है आपका ये a से b तक है, यहां पर भी मैं ले रहा हूं पॉइंट जो है आपका a टू b है। अब यहां पर अगर मैं बेटे देखो देखूं कि भाई मैक्स फंक्शन जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ अटेंड कर रहा है, तो देखेंगे भाई आपका पता है ये आपका वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, तो फंक्शन जो आपका मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आपका अटेंड कर रहा है तो आपको दिखाई पड़ेगा। सर इस ये पॉइंट जो है आपका ये क्रिटिकल यहाँ पर जो है आपका इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट सी, इस पॉइंट पे पॉइंट सी पर जो है फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, पॉइंट सी पर जो है फंक्शन का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ठीक है। अगर पॉइंट का पॉइंट सी पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और ये सी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, सी जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है वो ए टू बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, मतलब सी जो है वो आपका लाई कर रहा है ए से बी के बीच का वैल्यू है ठीक है। और पॉइंट सी पर जो फंक्शन का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, मतलब अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ सी मतलब इस पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगा वो आपका मिलेगा एफ ऑफ सी मिलेगा, ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा आपका एफ ऑफ सी होगा। तो एफ ऑफ सी जो होगा बेटा वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन होगा किससे एफ ऑफ एक्स से, मतलब एफ ऑफ सी का जो वैल्यू होगा इस पॉइंट पर यहां से लेकर यहां तक आप एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल दो उस वैल्यू से हमेशा जो है एफ ऑफ सी का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मतलब क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट सी जो है वो क्या कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उसका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बेटा एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी जो रहेगा आपका क्या रहेगा ऑलवेज ग्रेटर देन आपका एफ ऑफ एक्स होगा, और एक्स मतलब क्या आपका जो डोमेन दिया गया ए से बी के बीच कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा पॉइंट सी पर जो है फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू आपका अटेंड करेगा। ओके नाउ ग्राफ नंबर टू में देखेंगे y इक्वल टू मैंने लिखा आपका g ऑफ x लिखा, एक मैंने कर्व लिया a दूसरा कर्व लिया मैंने b सॉरी एक पॉइंट आपका a दूसरा पॉइंट क्या है b, मतलब इनका डोमेन दे रखा है, तो भाई फंक्शन जो आपका मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर अटेंड कर रहा है तो आपको मालूम पड़ रहा हो सर यस इस पॉइंट पर जो है फंक्शन जो है मेरा मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, मतलब पॉइंट सी पर फंक्शन जो है मेरा मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो इनका डोमेन कितना है भाई यहां से डोमेन कितना आपका a टू b है, मतलब सर इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो यहां फंक्शन क्या देगा आपका एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी का जो वैल्यू होगा सबसे कम जो वैल्यू होगा एफ ऑफ सी का वो इस पॉइंट पर होगा, किस पे पॉइंट सी पे, और पॉइंट सी इज नॉन एज पॉइंट ऑफ मतलब आपका क्या ये कहलाएगा मिनिमा, ये क्या कहलाएगा फंक्शन का मैक्स क्या मिनिमा वैल्यू आपको देगा इस पॉइंट पर, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पर जो फंक्शन का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका एफ ऑफ सी जो रहेगा बेटा वो हमेशा आपका एफ ऑफ एक्स से क्या रहेगा छोटा रहेगा, और सी आपका कहां से कहां लाई करेगा बेटा ए से बी के बीच में लाई करेगा, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। तो भाई इस ये है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा ठीक है। तो अब भाई इसमें क्या आता है आपका एक पॉइंट आता है कि सर हम लोग ये तो हम लोग सीख लिए भाई ये आपका ये मैक्सिमा है इसको हम लोग मैक्सिमा बोलेंगे, इस पॉइंट को मिनिमा बोलेंगे ठीक है। अगर एक पॉइंट आता है सर हम लोग कि लोकल लोकल मैक्सिमा क्या है और लोकल मिनिमा क्या है ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ बेटा मैक्सिमा की और ये बात कर रहा हूँ मिनिमा की, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा एंड व्हाट इज द लोकल मिनिमा, आपका लोकल मैक्सिमा क्या है और लोकल मिनिमा क्या है, तो बेटा वो देखते हैं हम लोग क्या होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बेटा मैं कोई कर्व ले रहा हूं कोई से एक कर्व ले रहा हूं जनरली ठीक है, देखिए देखिए देखिए
ध्यान दीजिएगा, ओके, साइन कर्व नहीं है, ठीक है, एक में कोई कर्व लिया, ओके। अब बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मान लो कि लोकल मैक्सिमा, आपका पता है कि लोकल एक गार्डियन होता है, लोकल का, जब हम लोग कहीं बाहर रहते हैं तो हम लोग एक लोकल लोकल गार्डियन बोलते हैं। लोकल गार्डियन मतलब क्या कि उस इंटरवल का मालिक मेरा वो है, उस इंटरवल पर कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लोकल गार्डियन के पास हम लोग अप्रोच करते हैं, ओके। तो सर सिमिलरली ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा जो वही है कि एक पार्टिकुलर इंटरवल में अगर मैं देखूँ कि फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और उस पार्टिकुलर वैल्यू पार्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन का जहाँ मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे आपका लोकल मिनिमा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, भाई अगर इस इंटरवल में अगर मैं बात करूँ, ये आपका कोई भी डोमेन, आप कुछ भी आप एज्यूम कर लो कि भाई इस पूरे इंटरवल में फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पे दिख रहा है आपको, फंक्शन का जो है मैक्सिमम वैल्यू आपका इस पॉइंट पे दिख रहा है। तो भाई अगर मैं एक डोमेन यहाँ फिक्स करता हूँ सर, इस पॉइंट से ये पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने ले लिया आपका सी, ओके। तो भाई ये पॉइंट जो है आपका सी से कम है, सी से क्या है, कम है, तो सी से कम है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं बोलूंगा सी माइनस डेल्टा, और ये क्या आपका सी प्लस डेल्टा, ठीक है, या फिर मैं सी माइनस एच ले लेता हूँ और ये सी प्लस एच लेता हूँ। तो बेटा सी प्लस एच मतलब अगर मैं देखूँ भाई कि इन डोमेन में माइनस सी माइनस एच से सी प्लस एच के बीच में आपका मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका सी दे रहा है, मतलब एक पार्टिकुलर इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ इस इंटरवल में, पूरे फंक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपका सिर्फ इस इंटरवल में जो आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट के लिए वो क्या कहलाएगा, इस इंटरवल के लिए वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लोकल मैक्सिमा, क्या कहलाएगा आपका लोकल मैक्सिमा, ओके। तो सर क्या लोकल मैक्सिमा बहुत सारे हो सकते हैं, यस बहुत सारे हो सकते हैं, आपका एक फंक्शन में लोकल मैक्सिमा बहुत सारी चीज हो सकते हैं, ठीक है, तो ये मत सोचना कि लोकल मैक्सिमा आपका एक ही होता है, एक फंक्शन में लोकल मैक्सिमा आपका चेंज हो सकता है, बहुत सारे लोकल मैक्सिमा आपके फंक्शन में हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सर मैं यहां बात करूं तो ये भी एक ही कर्व है, एक ही कर्व में भाई इस पॉइंट पे आपका ये पॉइंट मैंने बोल दिया पॉइंट डी, इसके लिए ये पॉइंट जो आपका लोकल मैक्सिमा है, अब इसके लिए मैं मान लेता हूँ ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये आपका डी माइनस एच होगा तो ये डी प्लस एच होगा, तो भाई इसके लिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, फिर सेकेंड लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, और ये पॉइंट जो है आपका क्या कहलाएगा बेटा, ये अगर मैं पॉइंट बोल दूँ बी, तो भाई ये आपका बी माइनस एच होगा और ये क्या होगा बेटा आपका बी प्लस एच, तो इस पॉइंट पे ये क्या कहलाएगा आपका लोकल मिनिमा, क्योंकि यहां पर आपका ये फंक्शन जो है इन दोनों के लिए यहां पर सबसे कम वैल्यू जो होगा आपको इस पॉइंट मिलेगा, तो ये आपका कहलाएगा लोकल मिनिमा। मतलब सर इस पूरे फंक्शन में अगर मैं देखूं, पूरे कर्व में अगर मैं देखूं, तो भाई लोकल मैक्सिमा जो है, अब यहां पर देखो इनसे मैक्सिमा ये वैल्यू कम है, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां है यहां पर है, ओके। अब भाई इसके लिए ये जो है ये इस पॉइंट के लिए ये क्या कहलाएगा आपका लोकल मैक्सिमा, मतलब समझ में आया लोकल मैक्सिमा क्या होगा, लोकल मतलब एक पार्टिकुलर इंटरवल में अगर फंक्शन कहीं मैक्सिमम वैल्यू अगर अटेंड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, एक पार्टिकुलर अगर इंटरवल में अगर फंक्शन अगर आपका क्या हो रहा है मिनिमम वैल्यू अगर अटेंड कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा। लेकिन अगर मान लो अगर कोई कर्व है उसमें लोकल मैक्सिमा ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसका है, तो इसका है, इस लोकल मैक्सिमा का है, तो भाई इसका एक पार्टिकुलर नाम है, दैट इज नॉन एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इन इनमें इन मैक्स इन कर्व में लोकल मैक्सिमा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है लोकल मैक्सिमा का, इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट को बेटा एक नाम दे दिया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ओके। और जहां पर सबसे कम वैल्यू होगा पूरे कर्व में उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमा बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा कि कर्व में अगर तो आपका लोकल मैक्सिमा अगर बहुत सारा है तो उसमें से जो सबसे हाईएस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो कम होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा कि भाई जब भी हमको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा दिखा निकालना हो तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। क्यों एफ डैश एक्स को मैं जीरो क्यों करूंगा, आपको पता है सर जहां जहां हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं वहां पर टेंजेंट,
वहां पर टेंजेंट जो होगा, वहां पर जो टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देखो मैं यहां पे बात कर रहा हूँ लोकल मैक्सिमा की, यहां बात कर रहा हूँ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मतलब जहां जहां अगर मैं लोकल मैक्सिमा की बात करूंगा तो वहां वहां पे क्या होगा, या लोकल मिनिमा की बात करूंगा वहां पर टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, पैरेलल होगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई टेंजेंट होता है इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा मतलब डीवाई अपॉन डीएक्स जीरो होगा, डीवाई अपॉन डीएक्स जीरो होगा मतलब एफ डैश एक्स जीरो होगा। इसलिए जब भी हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स को हम लोग इक्वेट करेंगे किनके साथ, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, और वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, वहां से हम लोग निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, है ना, वहां से हम लोग निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ओके चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन, देखते हैं एक लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पहले देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट में। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके बुक्स में एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन दे रखा है, लोकल फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। देखिएगा क्वेश्चन दिया आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। आप स्टेप वाइज अपने मन में लिख, आप बुक्स में लिखते जाएगा साथ साथ, मैं आपको एग्जांपल्स में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब भी अपने को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है तो पहले क्या करना है, फंक्शन को पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब पहले फंक्शन को आपको एफ डैश एक्स निकालना है, क्या निकालना है पहले आपका एफ डैश एक्स निकालना है। तो पहले जैसे मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया बेटा, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, क्या आ जाएगा बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री, दिस इज द एफ डैश ऑफ एक्स, ये आपका क्या है एफ डैश एक्स है। ओके एफ डैश एक्स निकालने के बाद क्या आपने क्या बोला कि सर स्टेप नंबर वन पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकाल लिया ना, स्टेप नंबर टू क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स को इक्वेट करना है जीरो के साथ, एफ डैश एक्स को इक्वेट करना है जीरो के साथ। हमेशा मैं इन जनरल बता रहा हूँ, आप ये रूल बना के लिख लीजिएंगे कि जब भी अपने को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फाइंड करना है एफ डैश एक्स, सेकंड स्टेप क्या बोलते हैं कि उसको इक्वेट करना है जीरो के साथ। आपको मैंने बताया क्यों इक्वेट करना है जीरो के साथ, क्योंकि जहां पर भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट पे आपका क्या होता है, टेंजेंट जो होता है पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मतलब डिवाइड बाय डीएक्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, दैट मींस एफ डैश एक्स में इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, जीरो मिलेगा। ओके तो हम लोगों ने क्या किया, एफ डैश एक्स को इक्वेट किया जीरो के साथ, इक्वेट किया जीरो के साथ मतलब क्या, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहां से मैं थ्री कॉमन निकालू तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ओके ये निकल गया। तो यहां से बेटा क्या आ गया आपका, यहां से मेरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, मतलब दो पॉइंट मिल गया, एक एक्स इक्वल टू वन, दूसरा क्या मिल गया एक्स इक्वल टू माइनस वन। ओके दिस पॉइंट इज नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ओके दिस पॉइंट इज नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट, अब ध्यान दीजिएगा अभी अभी क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है अपना। अब क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोगों ने क्या किया स्टेप, पहला स्टेप क्या किया, पहले हम लोगों ने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स फाइंड किया, उसके बाद सेकंड नंबर स्टेप क्या बोला मैंने आपको, इक्वेट करना है आपको एफ डैश एक्स को जीरो के साथ, एफ डैश एक्स को जीरो के साथ इक्वेट कर दिया। नाउ थर्ड स्टेप क्या किया, अपने को जो भी अपना क्रिटिकल पॉइंट आया उस क्रिटिकल पॉइंट को करना नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, क्या करना है अपने को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। नंबर लाइन पर मैंने प्लॉट किया वन, सॉरी माइनस वन एंड वन, आपको पता है कि इधर इन्फिनिटी होता है माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर क्या होता है बेटा इन्फिनिटी होता है। अच्छा अब बेटा क्या करना, ये प्लॉट करने के बाद आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि ये नंबर लाइन जो है तीन इंटरवल में डिवाइड हो चुका है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन इंटरवल में आपका नंबर लाइन डिवाइड हो चुका है। अब बेटा क्या करना है, नॉ स्टेप नंबर फोर में क्या करना है कि आपको हर इंटरवल का साइन चेक करना है, क्या करना है आपको हर इंटरवल का साइन चेक करना है। अब तो सर साइन कहाँ चेक करेंगे, एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट करके, एफ डैश एक्स में आप वैल्यू पुट कीजिए, उस हर इंटरवल का साइन आपको पहले निकालना है। चलिए मैं क्या करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में आपका एफ डैश एक्स ये है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में कोई वैल्यू अगर ले लो, कोई वैल्यू है ना, तो मैं क्या करता हूँ रेंडमली मैंने उठा लिया माइनस टू, मैंने माइनस टू उठा लिया और माइनस टू को मैंने यहाँ पुट किया, तो माइनस टू का स्क्वायर क्या मिल गया बेटा, फोर, फोर थ्री जेड ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री कितना मिल गया बेटा आपका, 12 माइनस थ्री इज नाइन, मतलब नाइन जो है बेटा वो क्या आपका पॉजिटिव नंबर है, अगर नाइन पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब साइन क्या मिल रहा है इस इंटरवल का, प्लस मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव मिल रहा है। ओके नौ, अब सेकंड स्टेप में माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू ले लो, माइनस वन से वन के बीच में मैंने ले लिया जीरो, मैंने जीरो पुट किया, जीरो इंटू समथिंग क्या होगा जीरो, जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री, मतलब कैसा मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, मतलब इस इंटरवल का साइन क्या मिल गया बेटा नेगेटिव मिल गया।
अब वन से इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी ले लो भाई, वन से इन्फिनिटी मैंने ले लिया टू, तो टू स्क्वायर अगेन आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो भाई ये क्या मिला, पॉजिटिव। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या करना है आपको, एफ डेस एक्स निकालना है, एफ डेस एक्स को इक्वेट करना है जीरो के साथ, इक्वेट किया जीरो के साथ, जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, नंबर लाइन पर प्लॉट करने के बाद आपको हर इंटरवल का आपको साइन निकालना है, साइन निकालने के बाद आपका जो स्टेप है आपको ये देखना है कि अगर कर्व, अगर यहाँ पर आपका इंटरवल प्लस से अगर लेफ्ट से अगर राइट जब जा रहे हो तो लेफ्ट से राइट के बीच में अगर आपका क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, प्लस से अगर माइनस हो रहा है, प्लस से अगर माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब अब हमसे याद रखिएगा कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा ये क्रिटिकल पॉइंट पे ही आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपका एग्जिस्ट करेगा। ये हमसे ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल पॉइंट पर ही आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपका एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन पर ही आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपका एग्जिस्ट करता है। तो सर आप ये क्या कर रहे हो? सर मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि अपने को पता करना है कि वन पे आपका मैक्सिमा है या वन पे मिनिमा है, इसलिए अपने को इतना फंडा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमसे याद रखिए क्रिटिकल पॉइंट जो भी निकला है क्रिटिकल पॉइंट पर ही आपका मैक्सिमा और मिनिमा आपका एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपका एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने को पता नहीं कि माइनस वन पे आपका मैक्सिमा दे रहा है या माइनस वन पे आपका मिनिमम दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब जब भी हम लोग प्लस से माइनस की ओर जब हम लोग मूव करेंगे बेटा, प्लस से माइनस की ओर जब हम लोग मूव करेंगे तो हमसे याद रखिएगा प्लस से माइनस की ओर जब मूव करेंगे तो इस पॉइंट पर जिस पॉइंट जिस क्रिटिकल पॉइंट पर आपका मूव करेंगे तो वहां पर आपका फंक्शन जो है होगा आपका लोकल मैक्सिमा देगा। प्लस से माइनस की तरफ जब आपका लेफ्ट से राइट में अगर जब प्लस से माइनस हो रहा है अगर मैं वहां जाऊंगा तो उस पॉइंट पे आपका क्या देगा, लोकल मैक्सिमा देगा। मतलब इस पॉइंट पे आपका जो रहेगा ये आपका प्लस से यहाँ से अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो इस पॉइंट पे आपका क्या मिलेगा बेटा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। किस पॉइंट पे, माइनस वन पे जो है आपका लोकल मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। अच्छा अगर सर माइनस से अगर प्लस होगा तो, सर माइनस से अगर प्लस होगा तो भाई माइनस से यहाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, माइनस से प्लस हो रहा है तो माइनस से प्लस जब होगा तो माइनस से प्लस के बीच में आपका वो लोकल मिनिमा देगा, लोकल मिनिमा। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि अगर मैं प्लस से अगर माइनस की तरफ मूव कर रहा हूँ तो वो आपका लोकल मैक्सिमा देगा, और अगर माइनस से अगर मैं प्लस की तरफ मूव करूंगा तो वो आपका लोकल मिनिमा देगा, क्या देगा, लोकल मिनिमा देगा। और मान लो कहीं पर भी अगर आपका साइन अगर चेंज नहीं होता है दैट पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अगर मान लो कहीं पर साइन चेंज नहीं होता प्लस का प्लस ही रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके चलिए, तो भाई यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला कि माइनस वन पे आपका क्या देगा, लोकल मिनिमा, और यहाँ पर क्या देगा, लोकल आपका मैक्सिमा देगा, ठीक है, सॉरी आपका प्लस से माइनस की ओर जब मूव करेंगे हमको क्या देगा, लोकल मैक्सिमा देगा, और माइनस से जब प्लस की तरफ जाएंगे तो आपका क्या देगा, लोकल मिनिमा देगा। मतलब माइनस वन जो है आपका मालूम पड़ गया कि माइनस वन पे क्या देगा आपका, लोकल मैक्सिमा। तो अच्छा अब मैं यहाँ लिखूंगा कि माइनस वन जो है आपका क्या देगा, लोकल मैक्सिमा देगा। तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा फंक्शन का, तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहेगा आपका, एक्स इक्वल टू माइनस वन पड़ेगा। अब एक्स इक्वल टू माइनस वन आप लोग क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, तो फंक्शन में पुट किया माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस वन और थ्री इंटू माइनस वन, तो ये कितना मिल गया बेटा, प्लस थ्री, प्लस थ्री और माइनस वन इज टू। तो भाई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा लोकल मैक्सिमम कितना देगा आपका, टू देगा। कितना देगा, टू। नो वन पे कितना दे रहा बेटा, वन पे आपका क्या आएगा, मिनिमा। वन पे क्या आएगा आपका, मिनिमा। अच्छा वन पे मिनिमा मतलब वन पे आप वन पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या दे रहा है, लोकल मिनिमा दे रहा है। तो लोकल मिनिमा कितना होगा, तो मैं यहाँ फिर से लिखूंगा फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन, नाउ मैक्स मिनिमम वैल्यू एज, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बेटा आपका, पुट करेंगे वन, वन मैंने पुट किया यहाँ पर, वन क्यूब कितना, वन वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस टू जो है फंक्शन का आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा आपका फंक्शन का, टू मिलेगा। इस समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। इस तरह हम लोग बेटा क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम फाइंड करेंगे और एंड लोकल हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे। ओके चलिए, अब भाई इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सर हम लोगों ने यहाँ पर प्लस से माइनस में हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा क्यों लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब प्लस से माइनस, इसका मतलब सर अगर मैं कोई कर्व ले रहा हूँ, अगर यहाँ से देखना कि भाई इस पॉइंट पर आपका ये प्लस है, मतलब इधर मैं प्लस प्लस से माइनस में आपका लोकल मैक्सिमा क्या हो रहा है। भाई मैंने बोला सर ये आपका कोई कर्व है, इस कर्व पे ये आपका मानो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो सर यहाँ पर जो भी आप इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ से यहाँ तक, सर हर टेंजेंट का स्लोप जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा
प्लस से अब यहाँ माइनस है, या अब यहाँ पे आपका जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पर हर टेंजेंट का स्लोप जो होगा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा सर, प्लस से माइनस की ओर जब जब हम लोग जब मूव करते हैं, प्लस से माइनस की जब मूव करते हैं, तो जो आपका आपका मैक्सिमम जो आपका हाइएस्ट पॉइंट जो होता है उस पॉइंट पर क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। और जब हम लोग माइनस से जब प्लस की तरफ मूव करते हैं तो जो आपका हाइएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या मिलते हैं, लोकल मिनिमम मिलता है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में, आप लोग आंसर देख लें आपके बुक्स में, आई थिंक दूसरे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो आपका मैक्सिमा आपका 2 है और मिनिमा कितना है बेटा आपका, माइनस 2 है, तो ये है आपका। उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपका क्या होगा कि फंक्शन ये था आपका फर्स्ट मेथड से, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब बेटा बेटा आता है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखो कैसे करना है कि फंक्शन को हम लोग पता करना है कि फंक्शन का फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू उसका कितना देगा और मिनिमम वैल्यू कितना देगा फंक्शन, तो ये देखना है आपने को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बिल्कुल सेम है, सेम तरह से करना है। पहले क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, पहले हम लोग को क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। सेम तरीके से एफ डैश एक्स निकालना, पहले मेथड देखिएगा। पहले मैंने क्या बोला आपको, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना है। तो पहला आपको एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकाल को क्या करना है आपको इक्वेट करना है जीरो के साथ। एफ डैश एक्स निकाल लिए, उनको इक्वेट कर लिया जीरो के साथ। इक्वेट जब मैं जीरो के साथ करूंगा तो वहां से अपना निकलता है क्रिटिकल पॉइंट निकलता है। इस क्रिटिकल पॉइंट को आप लोग बक्से में डाल देना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद अब मैं उस क्रिटिकल पॉइंट को वहां पर पुट करूंगा, किसमें, फंक्शन में, एफ डबल डैश में उस क्रिटिकल पॉइंट को मैं पुट करूंगा। मान लो आपका कोई फंक्शन दिया वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने निकाल लिया डिवाई अपॉन डी एक्स, तो डिवाई अपॉन डी एक्स क्या निकल गया बेटा, अपना एफ डैश एक्स निकल गया। ठीक है, और एफ डैश एक्स को हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। मैंने इसको इक्वेट किया जीरो के साथ, तो यहाँ से मैं निकल गया अल्फा और बेटा मेरा क्या निकल, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। हो सकता है दो निकले या तीन निकले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपना ये निकल गया अल्फा एंड बेटा मेरा निकल गया क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन को मैं अगेन फिर से डिफरेंशिएट करूंगा और यहाँ से मैं निकालूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, मान लो आपका कुछ भी अगर आया, सपोज मान लो एफ डबल डैश एक्स आ गया, क्या गया आपका एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा। ठीक है, पहला अगर एफ डबल डैश एक्स में अगर मैंने यहाँ पर अल्फा पुट किया, और अल्फा पुट करने के बाद अगर फंक्शन जो अगर आपका लेस देन अगर जीरो होता है, अगर वो निगेटिव आता है, इसका मतलब इस पॉइंट पर अल्फा पर फंक्शन जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर एफ डबल डैश अगर एक्स अगर आपका लेस देन अगर जीरो हो गया वो अल्फा पुट करने के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पर आपका जो फंक्शन है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर मान लो एफ डबल डैश बीटा पर अगर आपका ये वैल्यू क्या मिल गया, आपका ग्रेटर देन जीरो मिल गया, इसका मतलब बीटा पे जो है आपका फंक्शन जो है आपका क्या देगा, वही मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब एफ डबल डैश अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो मतलब फंक्शन जो है आपका मिनिमम वैल्यू देगा, अगर एफ डबल डैश अगर नेगेटिव आ गया मतलब फंक्शन जो उस पॉइंट पर आपका क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। चलो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं हम लोग क्या है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है बेटा आपका कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। चलिए पहले क्या बोला मैंने आपको, पहले बताया आपको एफ डैश एक्स निकालना है, पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स निकालने के बाद 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 एफ डैश एक्स निकालना है। नाउ एफ डैश एक्स को इक्वेट करना है जीरो के साथ, इक्वेट कर दो जीरो के साथ, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू जीरो। 3 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। इसको उधर भेज दें तो मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ओके, अब भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूँगा, इनका फैक्टर निकालता हूँ यहाँ से। जब फैक्टर निकालूंगा भाई तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अब 8 है तो 8 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस 6x सॉरी 8 है तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो एक्स माइनस 4, 2 कॉमन निकाल लिया तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो बेटा एक्स माइनस 4 दोनों से कॉमन निकाल लिया मैंने, एक्स माइनस 4 और यहाँ पे क्या मिल गया आपका, एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब भाई यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू 4 आ रहा है और एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला था, पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स को इक्वेट करना है जीरो के साथ। जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपको क्या जो भी पॉइंट निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल चुका है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट निकलने के बाद हम लोगों ने क्या आपको क्या बोला कि आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। आपने एफ डैश एक्स निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से फिर क्या करता हूँ भाई, इसको एफ डबल डैश एक्स निकाल लेता हूँ।
चलो क्या मिल गया बेटा ये आपका 6x-6 क्या मिल जाएगा, 6x-6 और डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। ओके अब एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, पहला टेस्ट चेक करना है। पहले आप क्या करना है, एफ डैश आपको एफ डबल डैश पे पहले 4 पुट करना है। जैसे ही बेटा मैंने यहाँ 4 पुट किया तो 6 × 4-6 मतलब 24, 24 - 6 कितना मिल रहा है आपका, 24 - 6 मतलब जो भी मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिल रहा है मतलब एफ डबल डैश एक्स जो है वो मेरा क्या मिल गया, 0 से ज़्यादा मिल गया, ग्रेटर देन 0। अगर अगर एफ डबल डैश एक्स अगर 0 मिल रहा है इसका मतलब फंक्शन जो है इस पॉइंट पर फंक्शन क्या करेगा आपका, फंक्शन गिव्स क्या देगा आपका, मिनिमम वैल्यू देगा। फंक्शन जो है आपका मिनिमम वैल्यू देगा किस पॉइंट पर भाई, एट एक्स इक्वल टू 4 पर आपका फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू देगा। अब वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा ना, मिनिमम वैल्यू एज तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो अपन 4 को यहाँ पुट करेंगे, एफ डबल एक्स नहीं पुट करना है, जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पुट करेंगे। अब पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4³। तो 4³ आपका कितना हो जाएगा भाई, 4² = 16, 16 मतलब 64, मतलब 4³ कितना मिल जाएगा 64, माइनस 4² मतलब कितना हो गया आपका 16, 16³ = 48, 9² = 4, तो 4 मल्टीप्लाई किया तो 24 × 4 कर लो तो 16, और ये आपका कितना मिल गया 14, 8, 9 मतलब 96। ओके तो 96 और प्लस 5, चलिए तो देखिए कितना आ रहा आपका 64, और ये आपका आ गया 69 माइनस ये आपका 144, कितना आ गया बेटा 144। ओके अब ये 144 अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो कितना मिल जाएगा आपका, तो 69 को माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो आपका मिल जाएगा ये 14 में से 9 जाएगा आपका, तो 14 में से 9 चला गया तो सेव मतलब सेव 14 में से 9 कर दो भाई, गायब कर दो आप, 14 में से 9 गायब कर दिया तो आपका 7, 8 है ना, 8 × 4 = 12, 9, 7, 7, 7, 6, 14 में से 9 गया तो आपका कितना मिल गया, 5 है ना भाई, हाँ तो 5, सॉरी इतना टाइम लग रहा है यार, हाँ तो ये 5 मिल गया आपका, और फिर आपका कितना मिल गया यहाँ पर, ये 5 आ गया और आपका ये 4 मतलब आपका 3 है ना, तो 13 में से 6 चल गया आपका, तो 13 में से 6 गया आपका 7, तो -75 मतलब -75 जो है बेटा आपका वो आपका मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा फंक्शन का वो कितना मिलेगा आपका, -75 मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं एफ डबल डैश एक्स के लिए, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू आपका कितना है आपका, एफ डबल डैश एक्स कितना 6 = 6x - 6 आया है। अब मैं पुट करूंगा भाई -2 पुट किया तो क्या मिल रहा है 6 - 2, ये 6 मतलब क्या नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिलता है मतलब लेस देन 0, अगर लेस देन अगर 0 आ रहा है मतलब फंक्शन जो है आपका -2 पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा मतलब यहाँ फिर से लिखेंगे कि फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू कितना है भाई, जो भी एट एक्स इक्वल टू -2, नाउ मैक्सिमम वैल्यू एज, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, उस मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू एज, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा एफ ऑफ -2, तो -2 का क्यूब मतलब -8 आ जाएगा, तो -8 और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा -2 का स्क्वायर मतलब 4 × 12, तो ये 48 और प्लस 5। ओके तो ये आपका मिल गया 20, ये -20 और 48 + 5, तो 48 + 5 = 53, 53 - 20 = 33, आपका फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा बेटा वो 33 मिलेगा। देखिए आपके बुक्स में क्या दिया हुआ है, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, आपका जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा बेटा वो 33 मिलेगा, किस पे -2 पे, और मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा बेटा वो 4 पे, आप कितना मिलेगा -75। तो बेटा इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें एक्सरसाइज के, और आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद नहीं हो गया तो ऑलरेडी मैं हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा। ओके चलो, ओके थैंक यू सो मच।